नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहां पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके हिसाब से 8000 से भी ज़्यादा न्यू MBBS सीट्स इंक्रीज हो सकते हैं। यह ट्वीट जो है JP नंदा जी ने दिया है और मैं आपके साथ यह ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ। इसमें यह लिखा है, वी आर एक्सपेंडिंग द नेटवर्क ऑफ आवर मेडिकल कॉलेज इन ए बिग वे बाई अपग्रेडिंग 82 डिस्ट्रिक्ट एंड रेफरल हॉस्पिटल टू मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग 8 न्यू मेडिकल कॉलेज इन बिहार टू रिमूव रेगुलर इम्बेलेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस में उन्होंने यह कहा है कि अभी जो है 82 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उन्होंने चूज किया है पूरे इंडिया कंट्री में। अभी यह 82 हॉस्पिटल को वह लोग अपग्रेड कर देगा, MCI अपग्रेड कर देगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को। तो 82 जो सिर्फ हॉस्पिटल है उनके साथ मेडिकल कॉलेज अटैच हो जाएंगे और इसमें आप सभी को एडमिशन मिल सकता है। अब 82 जो हॉस्पिटल और कॉलेज बनने वाले हैं, इसके अलावा 8 न्यू मेडिकल कॉलेज बिहार के स्टेट में भी कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। 82 नए मेडिकल कॉलेज और हर कॉलेज में 100 MBBS की सीट हो, इसका यह मतलब होता है कि 8200 MBBS की सीट्स, काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हो जाएगी ये नए मेडिकल कॉलेज के बाद। तो यह अच्छी खबर मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है और जो नोटिफिकेशन बेल है उन्हें दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।